ये देखो गाइस क्या हालत हो गया मेरा गाड़ी का। हालत पुलिस डाको ना, डाको ना, फोन करो फोन करो। ये झगड़ा कर रहा है मेरे साथ, कैमरे नहीं देखे, झगड़ा कर रहा है मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग पे। नया नहीं, पुराना ब्लॉग ही कंटिन्यू हो रहा है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, बागमाल टू सिलीगुड़ी का ब्लॉग। जिसने पार्ट वन देखा उन लोगों को तो पता ही है, और जिसने अभी नहीं देखा आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पार्ट वन दो पार्ट में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा क्लिप हो गया और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था ब्लॉग, तो उसके लिए दो पार्ट में इजी भी होगा आप लोगों के लिए देखने के लिए भी, मेरे एडिटिंग के लिए भी। तो अभी हम लोग है दुधनुई पे, आसाम दुधनुई पे। तो अभी दुधनुई से हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी की ओर। तो निकल गए हैं दुधनुई से सिलीगुड़ी की ओर। अभी बज रहा है दोपहर के ढाई। आज हम लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया आने के लिए क्योंकि मम्मी को थोड़ा मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है उसके लिए। तो धीरे धीरे आ रहा था रास्ते में, रुक रुक के और धीरे धीरे चला के, और रास्ता भी खराब है। मेरा लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया भी है लास्ट ब्लॉग में। तो अभी जाते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए आप लोग, walking away, your words are lost on me, it's taking everything not to turn around. अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पाइकन, और पाइकन से अगर लेफ्ट ले लेते हैं तो चला जाएगा वो तुरा की ओर। हम लोग गुवाहाटी रोड से आ रहे थे, आके हम लोग अभी पाइकन क्रॉस करें। इधर से जाता है तुरा और सीधा चला जाता है आपका सिलीगुड़ी के लिए, और बाकी जहाँ पे जाना है आपको वहाँ के लिए। तो तुरा जाने के लिए यहाँ से ही जाना पड़ता है बेसिकली, यही रोड है तुरा का मेन जो रोड है, यही रोड है तुरा जाने के लिए। ये हम लोग अभी पहुंच गए हैं शोलमारी। यहाँ से राइट लेने से आपका चला जाता है आपका ग्वालपारा आसाम, और सीधा हम लोग निकल जा रहे हैं आपका बोंगाईगांव की ओर। बट इस बार बोंगाईगांव नहीं घुसेंगे, इस बार कोकराझार होके जाएंगे, कुछ काम है। वैसे नॉर्मली हम लोग बोंगाईगांव बाईपास होके जाते हैं। ये आपका इस साइड में फोर लाइन नहीं था, तो फिलहाल एक साल पहले से काम चालू हुआ है फोर लाइन का, बहुत ही जल्दी बन जाएगा शायद फोर लाइन। फोर लाइन होने से टाइम भी कम लगेगा और मजा भी आएगा चला के। अभी तो थोड़ा बीच बीच में टूटा फूटा है तो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता है, क्रूजिंग नहीं कर पाता है। और एक गाइस, जो लोग आसाम से देख रहे हो आप लोगों को तो पता ही होगा ये टाटा का अल्ट्रा बस सब वगैरह इस रूट पे जो चलता है कैसे चलाता है, बहुत ही इरिटेटिंग करता है। बीच में रास्ता का बीच में जहां मन मर्जी वहां पे रुक जाता है, लोगों का वजह से बहुत एक्सीडेंट भी होता है ये बस ड्राइवर का वजह से। मुझे तो बहुत बुरा लगता है ऐसे ड्राइविंग करना, पीछे देखता ही नहीं है, छोटा गाड़ी को वैल्यू नहीं देता ये लोग, जहां मन मर्जी रुक देता है, ये कर देता है, क्या ही बोल सकते हैं अभी ये लोगों के बारे में। See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hate when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. तो अभी बज रहा है दोपहर के दो, और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जोगी गोपा ब्रिज जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना है। ये आप लोग साइड में देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रिज अराउंड 3 या 3.5 किलोमीटर जैसा है। आसाम में बहुत ही ज्यादा गर्मी है कंपेयर टू सिलीगुड़ी एंड मेघालय। अभी हम लोग रुके हैं एक रेल गेट पे अभयपुरी का पहले, वो आप लोग देख सकते हैं ट्रेन जाता हुआ, वो सामने देखिए ट्रेन जाता हुआ। तो रुके यहाँ पे, सामने जा रहा है मालगाड़ी, देखिए ना कितना धीरे धीरे जा रहा है। अभी क्या है, रुकना तो पड़ेगा ही ट्रेन के लिए, तो जाने देते ट्रेन को और निकलता है आगे।
रेल गेट क्रॉस करके आके थोड़ा आके आके हम लोग आज लेफ्ट ले लेंगे, नहीं तो सीधा जाते बोंगाईगांव के लिए। ये सीधा चला जाता है आपका गुवाहाटी चला जाता है, बिजनी होके आपका बरपेटा रोड होके, और सीधा जाके लेफ्ट जाने से आपका बोंगाईगांव के लिए रोड मिल जाता है। बट हम लोग आज कोकराझार घुसना है तो हम लोग इधर से आगे से लेफ्ट ले रहे हैं। ये है धुबरी वाला रास्ता, धुबरी जाने का। इधर से भी कुचबिहार होके जा सकते हैं, बट कुचबिहार होके नहीं जाएंगे, आने का टाइम शायद आ सकते हैं कुचबिहार होके। तो अभी हो रहा है शाम के 4:30 बजे और हम लोग आके पहुंचे कोकराझार आसाम में। इधर में मम्मी पापा का कुछ काम है, 1.5 घंटे का काम है, तो इधर में काम खत्म करके निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। आज लगता है सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते 12:00-1:00 बज जाएगा, लेट हो जाएगा बहुत ही। फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि कल से पूजा है और पूजा में घूमना भी है, तो इधर में काम खत्म करते हैं और निकलते हैं। 1 hour later फाइनली हम लोग निकल गए कोकराझार से सिलीगुड़ी के लिए। अभी हो रहा है शाम के 5 बजे और इधर में 1 घंटा का काम था, 1 घंटा का काम जल्दी जल्दी करके निकल गए हम लोग, क्योंकि हम लोगों को और 7-8 घंटा जाना होगा और अभी कुछ ही मिनटों बाद अंधेरा भी हो जाएगा, तो अभी लेट ना करके आगे जाते हैं। अभी हो रहा है 5:30 और हम लोग गांव का बीच से जा रहे हैं गोसाईगांव तक। कोकराझार से डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहे हैं गोसाईगांव तक। थोड़ा रास्ता खराब है, रास्ता अच्छा ही है, थोड़ा सा पैच खराब है सिर्फ, शॉर्टकट मार रहे हैं। तो अभी डायरेक्टली गोसाईगांव हाईवे में उठ के आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी चलाना पड़ रहा है, अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा उसके लिए। तो ये अभी हम लोग पकड़ रहे हैं नेशनल हाईवे, रात को समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, हम लोगों ने पकड़ लिया नेशनल हाईवे। अभी इधर से सीधा जाएंगे आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर मिलेगा, उसके बाद सीधा सिलीगुड़ी। 50 किलोमीटर जैसा गांव का अंदर चलाने के बाद हम लोगों ने पकड़ लिया है नेशनल हाईवे 27 जो सीधा जाता है आपका आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर। आसाम एग्जिट करने का पहले इधर में किसी पेट्रोल पंप पे रुक के डीजल डलवाना होगा, क्योंकि बंगाल में थोड़ा डीजल का प्राइस ज़्यादा है कम्पेयर टू आसाम। मेघालय में तो आसाम से भी सस्ता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग भी तो करना ज़रूरी है ना, तो उसके लिए पहले डीजल डाल लेंगे इधर पे गाड़ी रुक के। उसके बाद बंगाल एंटर करने के बाद थोड़ा रुकेंगे, चाय बाय पीने का ब्रेक लेंगे एक, उसके बाद सीधा खींचेंगे आपका सिलीगुड़ी तक, क्योंकि ऐसे लेट हो गया है तो जल्दी जल्दी भगा के भी जाना पड़ेगा, बहुत उतना नहीं भगाना है, अपना कंट्रोल के अंदर भगाना है। तो एंटर हो गए पेट्रोल पंप डीजल भरने के लिए, तो अभी इधर में डीजल भरना पड़ेगा। देरी होबे इधर में तो नहीं हो रहा है डीजल भरना, तो आगे से भरना पड़ेगा, लेट होगा ना क्या इधर में। रेट ठीक है सर? 90 টাকা 80 तो अभी हम लोग रुके हैं आसाम का एक पेट्रोल पंप पे तेल लेने। डीजल भैया फुल डीजल, हाँ हाँ एकदम लबालब। रुकिए ये टैंक का एकदम फुल कर दीजिए भैया। तो डीजल भरवाते हैं यहाँ और देखते हैं कितना का पीता है। घर से निकलने का टाइम फुल टैंक करके आया था, तो इधर से भर लेते डीजल। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डीजल आया है 24 लीटर 10 पॉइंट का, 24 लीटर डीजल फूक गया मेरा घर से ये श्रीरामपुर बॉर्डर तक। तो डीजल तो गाड़ी का पेट पूजा हो गया, अभी खुद का पेट पूजा करना है, थोड़ा थोड़ा स्नैक्स वगैरह कुछ खाना है। और पूरा मक्खियाँ मर रहा है, देखो ना इधर पे देखो, पूरा मक्खियाँ मर रहा है।
साउंड आ रहा है टप 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 करके मक्खियां मरने का। पूरा ग्लास ग्लास क्लीन करना पड़ेगा जहां पे रुकूंगा वहां से। होचे तो पेमेंट करते हैं यहाँ पे और निकलते हैं। तो गाड़ी का टैंक तो फुल हो गया, रेंज दिखा रहा है 738 किलोमीटर्स का, बट उतना तो नहीं देता है जो दिखाता है, उससे थोड़ा कम ही देता है। ऑलमोस्ट अभी 50 लीटर का टैंक है तो 500-550 किलोमीटर तक आराम से चल जाएगा। अभी तो इधर से घर होगा कितना, 210 या 20 किलोमीटर, मतलब सिलीगुड़ी यहाँ से। यह है आसाम बॉर्डर, आसाम वेस्ट बंगाल बॉर्डर, श्रीरामपुर बॉर्डर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अभी निकल रहे हैं पेट्रोल पंप से। रोड का उस साइड जाना पड़ेगा मुझे, रोड का ये साइड पे आके डीजल लिया था। मुझे तो लगा आज महंगा डीजल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेट्रोल पंप पे रुका था तो उसके बाद कोई लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप नहीं था, तो फाइनली राइट साइड में एक पेट्रोल पंप मिल गया आसाम में, तो वहाँ से भर लिए दीनगर के। वहाँ पे तो लेट होगा बोल रहा था तो उसके लिए यहाँ से भर लिए। अभी तो अच्छा ही है, थोड़ा कमती में मिल गया डीजल कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आई गेस 2-3 रुपये का डिफरेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा ही होता है, 2-3 रुपए का डिफरेंस। तो चलते आगे, आगे रुकेंगे हम लोग बंगाल घुस के, थोड़ा आगे जाके रुकेंगे। ये वेस्ट बंगाल एंटर होने का पहले देख सकते हैं आप लोग, राइट साइड में पूरा ट्रकों का जाम है। तो हम लोग एंटर हो रहे हैं वेस्ट बंगाल आसाम छोड़ के। तो एंटर हो गए वेस्ट बंगाल, बोल दिया बाबाई आसाम को। आप लोगों को ये व्यू कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा शेक कर रहा है इसमें ज्यादा, रात का समय है ना, और ग्लास भी क्लियर नहीं है। आगे रुक के ग्लास क्लियर करने के बाद एक बार देखेंगे इस व्यू में कैसा लगता है ये, मतलब इधर में मोबाइल होल्डर में वीडियो अच्छा आता है नहीं आता है, तो बार बार हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा फोन। ये गेट का भी एक अलग ही सीन है, क्योंकि जब मैं इसका पहले हम लोगों का गाड़ी था वो ML नंबर था, मेघालय नंबर, तब जरूर रुका के चेक करता था। अभी हो गया सिलीगुड़ी नंबर, वेस्ट बंगाल नंबर, अभी रुकाता ही नहीं है पुलिस लोग चेक करने के लिए। गेट का अलग ही सीन है, वेस्ट बंगाल गाड़ी देख के छोड़ देता है, बाहर का नंबर प्लेट देखने से थोड़ा यह करता है, चेकिंग वगैरह करता है। अभी हो रहा है शाम के 6:30 और हम लोग ऑफिशियली वेस्ट बंगाल एंटर कर चुके हैं। इधर से सिलीगुड़ी 200 या 220 किलोमीटर जैसा है, तो इधर से लगता है लगभग 4 घंटा। अभी देखते हैं आगे जाम मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि वो मोइनागढ़ी जो रेल गेट है उधर में जाम होता ही है, तो कभी कभी नहीं भी होता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था सिलीगुड़ी से आने का टाइम, तब जाम नहीं था, आज देखते हैं लग क्या है। उधर पर अगर जाम नहीं रहेगा तो 4 घंटा में आराम से पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। तो आगे जाके रुक के ग्लास भी क्लीन करना है, और सॉरी मैंने पहले वाला पार्ट में मक्खिया बोल दिया था, बट मक्खिया नहीं है, कीड़ा है ये सब, तो ये इसको क्लीन करना है तब विजिबिलिटी अच्छा होगा। मुझे थोड़ा डॉट रहने से भी थोड़ा कैसा कैसा लगता है, तो विजिबिलिटी भी अच्छा होगा। तो आगे जाके अभी रुकते हैं। तो यहाँ पे 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है,
थोड़ा रिलैक्स भी होना है, स्ट्रेच ब्रेक जैसा है ये। तो अभी हम लोग है कामाख्यागुड़ी बाईपास में, इधर पे एक होटल में आके रुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं माया होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, इसका एक बागमारा में भी ब्रांच है, सेम ही ओनर है, बागमारा का ओनर ने इधर पे होटल बनाया है। जस्ट कामाख्यागुड़ी का टोल टैक्स क्रॉस करके आके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो इधर पे हम लोग रुके हैं, मुझे एक स्ट्रेच ब्रेक लेना था, मेरा चेहरे का हालत आप लोग देख ही सकते हो, पूरा टायर्ड हो गया है, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ। इधर पे 10-15 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक लेके डायरेक्टली निकलूंगा सिलीगुड़ी के लिए, नॉन स्टॉप जाऊँगा सिलीगुड़ी यहाँ से, क्योंकि लेट हो गया हम लोगों का आज बहुत। तो ज़्यादा देर ना करके फ्रेश वगैरह होके आता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, अभी हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए, नॉन स्टॉप जाएंगे, इधर से कोई ब्रेक लेने का मतलब या नहीं है, मन नहीं है, तो डायरेक्ट जाएंगे नॉन स्टॉप सिलीगुड़ी तक। एस्टिमेट कर रहा हूँ 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा घर, अभी देखते हैं कितना समय लगता है। कांड हो गया, ये ट्रक ड्राइवर ने, आप लोग देख सकते हैं ट्रक ड्राइवर का नंबर, ये WB75D4497। ये गाड़ी मैं आ रहा था, मैं मेरा लाइन पे था, वो राइट साइड घुसने के लिए इंडिकेटर दिया, मैं पूरा हॉर्न बजा रहा था, बट वो नहीं रुका, नहीं सुना, उसका खलासी नहीं था, तो उसने ये जगह पे मार दिया। आप लोग देख सकते हो ये जगह मेरा पूरा गया खत्म। क्योंकि मादारीहाट जोल्दापारा नेशनल पार्क क्रॉस करने के बाद एक टोल टैक्स आता है, जब हम लोग टोल टैक्स पे पहुंचे तब उधर पे ट्रकों का जैम लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसका जो लेफ्ट साइड का जो मतलब लेफ्ट साइड का गेट है उस लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था मैं। तो मेरा बगल वाला लेन में एक ट्रक था, उस ट्रक ने सडनली क्या किया, जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था तो उस लेन में एक ट्रक था, वो ट्रक ने क्या किया, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देके मेरा लाइन पे घुसने का कोशिश कर रहा था वो ट्रक। तो मैं नॉर्मली हॉर्न मार रहा था पूरा, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहले भी हो चुका है, शायद आप लोगों के साथ भी हो चुका है। आप अगर जा रहे हो अपना लाइन फॉलो करके, कोई ट्रक अगर आपका या कोई गाड़ी आपका लेन में आने का कोशिश करे, आप अगर हॉर्न मारते हो तो वो रुक जाता है, अगर उसको आप आगे जाने नहीं देते हो तो उसको रुकना ही पड़ता है। तो ऐसा टाइप का था इंसिडेंट, तो मैं सोचा वो ट्रक रुक जाएगा, बट वो ट्रक नहीं रुका, सडनली आके मेरा गाड़ी में वो मार दिया, मार के गाड़ी धकेलने लगा, मार के उधर पे वो नहीं रुका, तो मैं डर के मारे चिल्ला के उठा, मेरा चिल्लाना सुन के वो उधर पे रुक गया। रुकने के बाद मैंने जैसे तैसे करके अपना गाड़ी उधर से निकाला, निकाल के मैंने साइड पे लगाया, साइड पे लगाने के बाद जब मैंने गाड़ी से उतर के देखा अपना गाड़ी, तो मेरा होश उड़ गया था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी मैं ट्रक ड्राइवर को जाके अच्छे से बोला जो ऐसा ऐसा हो गया, आप आओ नीचे देखो, देख के मुझे डैमेज दे दो। जब मैंने उसको अच्छे से बोला, वो क्या क्या मेरे ऊपर गुस्सा दिखाने लगा, मेरे ऊपर मतलब दादागिरी टाइप दिखाने लगा, तो वो देख के मेरा मम्मी पापा भी गाड़ी से निकल के आ गया, तो आस पड़ोस का मतलब वो जो टोल टैक्स का लोग है वो लोग भी आ गया सामने, आके उसको बुलाने लगा, तब वो नीचे आया, नीचे आके उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, वो मेरा मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाने लगा, मेरा मम्मी पापा को भी गुस्सा आ गया, तो एक झगड़ा टाइप का हो गया। पहले मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, जब वो झगड़ा स्टार्ट कर दिया तब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, आप लोग देखिए उसका कुछ क्लिप्स। লাইন কেন মানাইছে, গাড়ির নিয়ম চালানোর নিয়ম শিখাবেন আমাকে? না আপনারা নিয়ম শিখেন, আমরা নিয়ম শিখাবেন না। খালাসি 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 তো খালাসি সাইডে থাকে কিনা? হ্যাঁ, কি হচ্ছে বলো না। না খালাসি সাইডে থাকে কিনা? খালাসি ছিল সাইডে, খালাসি খালাসি ঘুমা থাকে, বড় গাড়িতে একজন চালে একজন ঘুমায়, খালাসি একজন সাইডে থাকবে না টোল ট্যাক্সে? আচ্ছা শুনো, গেটে সামনে আইছে কি করে সবাই, আস্তে গাড়ি চালা। আচ্ছা সাইড লাইন দিয়ে ঢুকতেছিলাম আমি, ও অন্য লাইনে ছিল, লাইন চেঞ্জ করছি উনি, তো করছে কিনা উনি লাইন চেঞ্জ? উনার দোষ দেখেন, শুনেন, আপনি লাইন চেঞ্জ করে আসতেছেন, আমার লাইনে আমি ছিলাম, হ্যাঁ বার করেন বার করেন, তা আপনি থাকবেন এখান দাঁড়ায় ইন্ডিকেটর যখন পিছনে আপনি দেখবেন আপনার সাইড থেকে গাড়ি আছে কিনা পিছনে, তারপরে ইন্ডিকেটর দিয়ে দেখবেন। আপনি পুলিশ ডাকেন, পুলিশ ডাকো না, ডাকো না, ফোন করো, ফোন করো পুলিশ, ডাকো ফোন করো, ঝামেলা শেষ করো, ফোন করো, হ্যাঁ নিয়ে যাও আমারও ফার্স্ট পার্টি আছে, নতুন গাড়ি, 6 মাসের গাড়ি,
না হর্ন দিয়েছিলাম না না শুনেন আমার কথাটা শুনেন আগে উত্তরটা দেন আমি হর্ন দিয়েছিলাম না না দিয়েছিলাম আমি হর্ন হ্যাঁ পুরা দিচ্ছিলাম হর্ন এইখানে আসার পরও হর্ন দিচ্ছিলাম আমি গেট হিসেবে আপনি আসবেন আর ছোট গাড়ির জন্য সাইড দিয়ে দেওয়া হয়েছে না कुछ पता नहीं है उसको क्योंकि वो अंदर सो रहा था जब गाड़ी लगा इधर पे वो साइड पे नहीं था वो रहने से ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता तो अंदर सो रहा है आप लोगों ने उसका एक बात सुना होगा खलासी घुमाए खलासीर काज हलो घुमानो ऐसा टाइप का कुछ बात बोल रहा था वो तो सुन के मुझे गुस्सा आ गया था बहुत तो मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने का कोशिश किया फिर भी कुछ कुछ जगह मैं भी उल्टा सीधा बोल दिया उसको मुझे भी पता है इतना कुछ हो जाने के बाद जो आस पड़ोस का आदमी लोग था वो लोग आके बोलने लगा कि आप लोग झगड़ा मत करो वो ट्रक ड्राइवर को बोलने लगा आप डैमेज दे दो क्योंकि गलती आपका ही है इतना झगड़ा करके फायदा नहीं है तो हम लोगों ने भी बोला ठीक है अगर वो डैमेज दे देता है हम लोगों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो रेडी हो गया डैमेज देने के लिए तो वो डैमेज देना चाह रहा था 2000 तो जब वो 2000 देना चाह रहा था तो मैंने उनको बोला है ट्रक ड्राइवर को आप जो 2000 देना चाह रहे हैं तो 2000 में क्या होगा मेरा गाड़ी का एक लुकिंग ग्लास भी नहीं आएगा तो ठीक है वो उससे ज़्यादा नहीं देना चाह रहा था तो मैंने बोला एक काम करो आपका मालिक से बात करवाओ तो मालिक से बात करवाना नहीं चाह रहा था तो हम लोगों ने बोला हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है पुलिस को बुलाने के अलावा तो वो ट्रक ड्राइवर बोलने लगा ठीक है आप पुलिस को बुला लीजिए तो हम लोग ना चाहते हुए भी पुलिस को बुलाना पड़ा क्योंकि हम लोगों के पास और ऑप्शन नहीं था तो पुलिस आया आके बाद में हम लोग पुलिस के साथ गए मादारीहाट पुलिस स्टेशन तक क्योंकि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वही था तो मादारीहाट पुलिस लोग ही आया तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये आप लोग देखिए तो गाइस अभी हम लोग आए हैं आपका मादारीहाट पुलिस स्टेशन में पुलिस को फोन कर देते हैं तो अभी देखते हैं क्या होता है इधर में बाद में आप लोगों से बात करते हैं पूरा मूड ऑफ हो गया मेरा कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ तो मूड ऑफ हो गया ना तो देखते हैं क्या होता है तो अभी 10 बज रहा है और फाइनली बात बात करके सल्टा लिए डैमेज दिया है फ़ोन करके शोरूम में पूछा मैंने कितना लगेगा पैसा वगैरह वगैरह तो डैमेज का पैसा दिया अभी इधर से निकल लेंगे हम लोग तो रिटर्न थोड़ा देने के लिए गया है पापा अंदर तो आने के बाद निकल जाएंगे देखिए ना गाइस क्या हालत हो गया गाड़ी का पूरा दुख लग रहा है मुझे रोना आ जा रहा है गाड़ी देख के पूरा ख़त्म एकदम गया तो अभी तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगा पूरा मूड ऑफ हो गया है तो डायरेक्ट घर पे जाके आप लोगों से बाद में मिलते हैं तो फाइनली इतना झमेला का बाद घर आके पहुंचे हैं अभी बज रहा है आपका रात के 2:09 हो रहा है रात का तो जस्ट आके घर पे पहुंचे हैं मम्मी पापा गया है रूम पे मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को कल सुबह आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस ब्लॉग में डालूंगा क्या क्या हुआ नहीं हुआ मेरे साथ इंसिडेंट और रुकिए एक चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को ये देखो कैसे लेके आया मैं गाड़ी लुकिंग ग्लास को ऐसे बांध के पूरा दरवाजा खत्म तो अभी जाके सोता हूँ बहुत टायर्ड हो गया वो ऑलमोस्ट कितना 18-19 घंटा ड्राइव किया मतलब आया चला के मेरा मन बहुत ही उदास हो गया है आज जो कोई भी गाड़ी से प्यार करता है ना उसका अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसको ऐसा लगता है आई गेस आप जो कोई भी गाड़ी से प्यार करते हैं वो लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है तो ठीक है अभी जाते हैं घर पे रेस्ट वगैरह करते हैं कल सुबह आप लोगों से मिलते हैं और कल सुबह मुझे ये गाड़ी लेके शोरूम भी जाना है पूजा में इस बार तो ये गाड़ी लेके घूम ही नहीं पाऊंगा तो शोरूम में जाके देखते क्या क्या होगा उसका मैं सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा और कल सुबह आप लोगों को विस्तार से सब इंसिडेंट पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करूंगा तो चलिए मिलते हैं।
यही था पूरा इंसिडेंट। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाया। और एक बात, उस बंदे ने हम लोगों को 50% डैमेज का पैसा दिया, पूरा पैसा नहीं दिया उस बंदे ने डैमेज का। देखिए, हम लोग भी नहीं चाहते थे उनसे पैसा लेने का, बट दो रीज़न है जिसके लिए हम लोगों ने उनसे पैसा लिया डैमेज का। पहला रीज़न तो जब मैंने उसको जाके अच्छे से बुलाया बात करने के लिए, वो नहीं आके मेरे साथ झगड़ा करना चालू कर दिया। रस्ते पे चलने से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, गलती इंसान से ही होता है। अगर वो आके उसका गलती एक्सेप्ट कर लेता मेरे पास, तो शायद हम लोग उससे पैसा नहीं मांगते, छोड़ देते उसको अच्छे से। और सेकेंड रीज़न है, वो ट्रक का ड्राइवर नहीं था, वो ट्रक का ओनर था, और जो उसका हेल्पर था वो उनका बेटा था। तो उस वही दो रीज़न का वजह से हम लोगों ने उनसे पैसा लिया। उन्होंने हम लोगों का टाइम भी वेस्ट किया पुलिस स्टेशन जाके, हम लोग नहीं जाना चाह रहे थे पुलिस स्टेशन। बाय द वे, मादारी हाट का पुलिस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है, वो लोग ने बहुत हेल्प किया हम लोगों का। तो इतना ही था आप लोगों के साथ शेयर करने का, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और एक बात, आप लोगों को अगर जानना है मेरा गाड़ी का कितना डैमेज हुआ है वगैरह वगैरह, तो आप लोग इसके बाद वाला ब्लॉग चेक कीजिएगा। मैं जब शोरूम पे गाड़ी देने जाऊंगा तब मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप लोगों को पसंद आए, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए मुझे ग्रो करने के लिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।